मार्गदर्शन मिला हमें ये कभी नहीं लगा कि ये गांव हमारे लिए नया है। मैं पूरी देवली पंचायत सभी महिलाएं बहनों युवा साथियों को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने समय की परवाह किए बिना हर मीटिंग में हर जगह हमारा साथ दिया। आप सभी का यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि हम सब मिलकर आज इस मकाम पर पहुँचे कि हमने एक रीड इंडिया का यहाँ पे सेंटर बनाया। रीड इंडिया एक गैर सरकारी संस्था है, 2007 से इंडिया में काम कर रही है और आज मैंने 13वें सेंटर का उद्घाटन किया है और ये मेरे लिए एक बहुत ही प्राइड की बात है कि भारत में 7 स्टेट्स में मैंने आज ये 13वां सेंटर लॉन्च किया है और ये मेरी लाइफ का एक मिशन बन चुका है। अपार्ट फ्रॉम माय स्टेटस माय जॉब एज अ कंट्री डायरेक्टर फॉर रीड इंडिया एंड रीड ग्लोबल बट इट इज माय मिशन नाउ हाउ टू वर्क विद द रूरल कम्युनिटीज एंड एम्पावर देम। बंगाल से लेके राजस्थान, हरियाणा से लेके कर्नाटका, उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक रीड इंडिया के सेंटर हैं। कितनी लैंग्वेज है, कितनी कम्युनिटीज हैं और हम इन सेंटर्स के द्वारा कम से कम 1.5 लाख संख्या तक हम टच करते हैं अपने कार्यक्रम से। आप इन 3 अक्षरों पे ध्यान दीजिए, ये हमारे लिए एक मंदिर है, हमारा हक है इस सेंटर पे आने का और हम इस सेंटर से कुछ लेके जाएंगे अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। आप सब महिलाएं मेरे से सहमत हैं इस बात के लिए? एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए अगर मेरी बात से सहमत है। तो आज से इस सेंटर में जो कुछ भी है वो आपका है, चाहे आप किताब पढ़े, चाहे आपके बच्चे कंप्यूटर सीखें, चाहे आप मशीनों के साथ कुछ कार्यक्रम करें,
आप आएंगे, आपके बच्चे भी आएंगे, आपका परिवार भी आएगा और बहुत कुछ सीख के जाएगा। ये अपने आप में एक आधुनिक चौपाल है रीड का सेंटर, जिस चौपाल में हर एक चीज है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पब्लिक स्फीयर एंड पब्लिक स्पेस। ये पब्लिक स्पेस है, लाइब्रेरी तो एक बहाना है, इसका मिशन लाइब्रेरी से बहुत बड़ा है। ये कम्युनिटी को जोड़ता है, ये समाज को जोड़ता है, आपको देश दुनिया से जोड़ता है, आपको सावधान करता है, आपको आगाह करता है, आपको आगे जाने के लिए प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है, आपको कहता है कि जिंदगी में बढ़ना है, बढ़ते ही चले जाना है, एक स्पीड लाता है आपके जीवन में, आपको डेमोक्रेटिक वे दिखाता है। और इसीलिए रीड इंडिया की ये महत्ता है, जिसे मैंने समझा है खुद भी अपने सेंटर से चला के भी। मैं बहुत खुश हूँ कि ये आपके लिए किया जा रहा है और इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। जैसे गीता जी ने कहा है, इसका फ़ायदा उठाओगे तो फ़ायदा होगा, अगली पीढ़ी को फ़ायदा होगा। मगर मैं इतना सब बच्चों से ये कहता हूँ और आज सवेरे में भी कह रहा था कि जो सोच लो आपके घर में चोरी हो जाती है, भाई आपके घर में चोरी हो जाती है तो आपका टेबल चले जाएगा, टीवी चले जाएगा, आपकी गाड़ी चले जाएगी, मगर जो आपके दिमाग में जो ज्ञान है वो नहीं जाएगा। तो जब चोरी होता है घर में सब कुछ जा सकता है, मगर आप जो सीखोगे वो नहीं कोई चोरी कर सकता। उस ज्ञान से आप वो कुर्सी टेबल चेयर दोबारा बना लोगे। तो इसलिए सीखो सीखो, क्योंकि वो चीज़ कोई चोरी नहीं कर सकता। तो अब आप इसका फ़ायदा उठाओ। गीता जी इधर हमें मदद कर रहे हैं, इनके बहुत सेंटर हैं, इनके बहुत लोग आएंगे इधर और सेंटर से, और हमें ये आप लोगों को सिखाया जाएगा। हम अकेले नहीं कर सकते, हम इनको बिल्डिंग जरूर खड़ी कर सकते हैं, मगर उसके बाद हमारे पास इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, वो इनको है। उसके लिए मैं इनके बहुत आभारी हूँ और अब आप लोग इसका जरूर फायदा उठाएं। थैंक यू। मैं दर्शन सिंह जी की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने गीता जी के साथ इस संस्था का उद्घाटन मेरे से करवाया और इस संस्था को आप लोगों के लिए बनाया। मेरा ये मानना है कि इस संस्था से जो आपको शिक्षा मिलेगी उससे हर महिला, हर लड़के आगे चल के अपने परिवार को आर्थिक रूप से संपन्न करने का काम भी कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। अंत में तो मैं यही कहूँगा कि आप सब इधर के जो निवासी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के, समाज के, इस संस्था को अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें ताकि ये बालिका और ये बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें और आने वाले जीवन में तरक्की। धन्यवाद सर। राम राम।